हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने शिक्षा भर्ती से जुड़ी जानकारी लाता रहता हूं, लेकिन जैसे कि कल आपको अपडेट मिल गई है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो स्थगित कर दी गई है, और उसके दो मेन कारण बताए जा रहे हैं। पहला ये है कि बहुत सी जगह पर कोरोना वायरस का इफेक्ट ज़्यादा था, तो वहाँ पर काउंसलिंग संभव नहीं हो पाई। दूसरा ये है दोस्तों कि आवागमन के जो साधन हैं वो उपलब्ध नहीं है, जिससे कि लोग वेरिफिकेशन सेंटर पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये दो कारण बता दिए गए हैं, और इसे लेकर आपकी जो आगामी डेट है उस तक आपकी जो काउंसलिंग है वो स्थगित कर दी गई है। यहाँ पर बहुत से भाई बहनों के मन में ये कन्फ्यूजन आ गया कि सर, हमारी काउंसलिंग तो हो गई, तो क्या हमें दोबारा से काउंसलिंग करानी होगी? नहीं, आपको दोबारा से काउंसलिंग नहीं करानी होगी। आपकी काउंसलिंग लॉक है सॉफ्टवेयर में, और आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, आपके डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हमको क्या करना है, मैं खास तौर से वो बात करने आया हूँ। ये सब तो बातें आपको पता ही हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आपकी जो काउंसलिंग है दोस्तों, समय पर स्टार्ट हो जाए, आपकी समय पर भर्ती हो जाए, इसके लिए सोशल मीडिया अभियान चलाया गया था, और वो सोशल मीडिया अभियान को आपने इतना समर्थन दिया, इतना सहयोग दिया कि ऑल इंडिया में, दोस्तों ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसमें 19वें नंबर पर ट्रेंड किया था। और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 9वें नंबर से लेके और 1 नंबर तक वो मुद्दा ने ट्रेंड किया था। तो ऐसा सोशल मीडिया अभियान हमको फिर करना है दोस्तों, इसका समर्थन आपको ही करना है, क्योंकि जब तक हम मांग नहीं करेंगे काउंसलिंग अटक कर रह जाएगी। आपको मैं दो तीन उदाहरण बता देता हूँ, नहीं तो बहुत से भाई बहन कहेंगे कि सर, आपको काउंसलिंग की पड़ रही है, यहाँ पर कोरोना वायरस का इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों, आपको मैं एक बात बता दूं कि जितनी भी लोगों के काउंसलिंग में भाग लिया है, बिल्कुल वो 10-10 या 11-11 लोग एक सेंटर पर गए थे, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उन्होंने पालन किया। जहाँ पर रेड जोन था दोस्तों, वहाँ पर हम एक बात मान सकते हैं कि जो आपके वेरिफिकेशन है वो उस हिसाब से संभव नहीं है। लेकिन बात करें ग्रीन जोन की, बात करें ऑरेंज जोन की, वहाँ पर ये संभव है। और रेड जोन में भी बहुत से एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर कोरोना वायरस का ज़्यादा इफेक्ट होता है, हर एक एरिया में नहीं होता है। तो जो आपके सेंटर बनाए गए थे वेरिफिकेशन रेड जोन में, वो ऐसी जगह बनाए गए थे जहाँ पर कोरोना वायरस का खतरा ना के बराबर हो। और फिर इसके बाद दोस्तों, यदि आपकी काउंसलिंग समय पर नहीं हो पाती है, तो फिर समय पर भर्ती भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वर्ग एक और वर्ग दो की काउंसलिंग रुक गई है। अब जब तक काउंसलिंग नहीं होगी तब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी। अभी कहा यह जा रहा था कि 15 अगस्त तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे, लेकिन अब यह है कि जब काउंसलिंग ही नहीं है तो फिर ज्वाइनिंग कैसे होगी? तो इसका सलूशन एक ही है दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फिर से इस मुद्दा को ट्रेंड में लाना होगा, क्योंकि सब होते हुए भी सब काम हो ही रहे हैं, और सामने देख रहे हैं कि चुनावी माहौल है, उपचुनाव आने वाले हैं, तो वहां पर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए वोटिंग करेंगे ही करेंगे, जो कि आपके काउंसलिंग में जितने कैंडिडेट भाग ले रहे हैं उनसे काफी ज्यादा उनकी संख्या होगी, तो वो भी तो एक संपन्न होगा ही ना। तो मैं आप सभी से एक अनुरोध कर रहा हूँ दोस्तों, कि कल मैं सोचता रहा और काफी मेरे लिए एक दुखी घड़ी थी कि इतना आपने प्रयास, इतना मेहनत किया, सोशल मीडिया पर ट्रेंड आए, फाइनली वो लेटर भी जारी हो गया और फाइनली आपकी काउंसलिंग भी शुरू हो गई, लेकिन काउंसलिंग कुछ दिन तक चली और उसके बाद जैसे आप जानते हो कि एक नया आदेश आ गया कि अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। बात करें कि आवागमन के साधन, तो दोस्तों जिनकी काउंसलिंग होनी थी, एक कल मेरे पास मैसेज आया एक भाई का, तो वो जयपुर से थे और उनके कोई रिलेटिव हैं वो उज्जैन में रहते हैं, तो उन्होंने जो सेंटर चुना था वेरिफिकेशन का वो उज्जैन ही चुना था। तो वो कैसी ना कैसी अपनी, उनकी जो वाइफ है उनका सिलेक्शन हुआ था, उनका तो नहीं हुआ था, लेकिन वो अपनी वाइफ को खुद कैसे भी करके उनका जो वेरिफिकेशन था करीबन 7-8 तारीख को या 8-9 तारीख को था, अभी नहीं था, लेकिन वो वहां पर समय पर पहुंच पाए, कुछ ना कुछ करके वो उज्जैन पहुंच गए, और उन्हें बेट था कि जैसी काउंसलिंग होगी उसमें हम भाग लेंगे। लेकिन अब उनका मैसेज आया कि सर, इतनी मेहनत की, इतना हमने पैसा लगाया, क्योंकि यदि आप प्राइवेट साधन करते हैं दोस्तों, आप स्वयं जानते होंगे, यदि प्राइवेट साधन करते हैं कोई भी कार वगैरह, तो उसमें कितना खर्चा होता है।
और यदि आप बस से भी आ रहे हैं, ट्रेन से भी आ रहे हैं, तो उसमें आवागमन के साधन उतने सुलभ नहीं है, फिर भी आप अपने जो मंजिल है उस तक पहुंच रहे हैं। तो उनका कल मैसेज आया था कि सर, जो हमारे रुपए लगे, जो हमारे समय लगा, वो तो आप जाने ही दें, लेकिन हमें एक उम्मीद थी कि हमारी काउंसलिंग हो जाएगी और ये जो हमने प्रयास किया वो सफल हो जाएंगे। ये तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कि बहुत दूर से आए हैं, यानी कि हमारे राज्य के है ही नहीं, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश, ऐसे बहुत से लोग हैं। जब वो आ सकते हैं तो फिर जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो जिस जिले में रह रहे हैं, वो तो मोटरसाइकिल से या कोई कार करके आ ही सकते हैं। मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उन्हें तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हाँ, रेड जोन एरिया है, मैं मान सकता हूँ, बिल्कुल वाजिब बात है कि रेड जोन एरिया में खतरा होता है, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन भी है, ऑरेंज जोन भी है, और रेड जोन में भी पूरी जगह खतरा नहीं होता, सिर्फ एक एरिया होता है वहां पर कोरोना वायरस का खतरा होता है, तो उसे भी एहतियात बरतती हुई काउंसलिंग शुरू की गई थी। अब दोस्तों, यदि काउंसलिंग स्थगित होती है और इसमें ज़्यादा समय लगता है, तो 2018 की बढ़ती है और 2020 जो है वो आधा निकल चुका है, यानी कि मैं बात करूँ कि आधा हो चुका है, हम 7वें महीने में बैठे हैं, जुलाई, और ऐसे यदि ये निकल गया तो जनवरी फरवरी में आप जानते हो कि एग्जाम डेट्स आना शुरू हो जाती हैं, मार्च में फिर एग्जाम हो जाते हैं, फिर उधर मई जून हो जाती है तो वहाँ पर छुट्टियाँ चलने लगती हैं, फिर वही जुलाई फिर से आ गया, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, तो इसकी हमें डिमांड करनी है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आज ट्वीट करने वाला हूँ, हर संडे को पहले भी हम ट्वीट करते थे, और जो 6 दिन बचेंगे, यानी कि हर संडे को तो हमें ट्वीट करना ही कि हमारी काउंसलिंग नियमानुसार जल्दी हो, लेकिन जो 6 दिन बचेंगे उसमें भी दोस्तों हर जिले से हम ज्ञापन देने वाले हैं। बहुत से जो दोस्त हैं, मैं आपको मित्र ही मान सकता हूँ कि एक फ्रेंड्स के नाते, या आप तो गुरुजन हैं तो उसके नाते मैं आपसे हेल्प मांगता हूँ, तो ऐसे बहुत सारे आप जैसे फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग ज़िले में हैं, और इसके लिए ज़्यादा लोग चाहिए नहीं, ज्ञापन के लिए 4 लोग हों, 5 लोग हों, हद से 6-7 लोग हों, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोरोना वायरस से एहतियात बरतते हुए जो भी मंत्री जी आए वहाँ पर आपके वोटिंग के लिए या कुछ भी, तो उन्हें आप अवगत करा सकते हैं। साथ में जो हमारे शिक्षा विभाग से जुड़े ऑफिसेज हैं, अधिकारी हैं, उन्हें भी ज्ञापन दे सकते हैं, और इसके लिए हमने पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली है दोस्तों। सोमवार से लेके और अगले जो शनिवार है उस तक सबके पास ये ज्ञापन, और अधिकतर हर जिले से कोशिश करेंगे, अधिकांशतः जिले से कोशिश करेंगे ज्ञापन दिया जाए, सबको अवगत कराया जाए कि ये जो मैटर है वो कितना सीरियस है। मैटर इसलिए सीरियस नहीं है कि कुछ एहतियात बरतते हुए काउंसलिंग स्थगित कर दिए, मैटर इसलिए सीरियस है कि 2018 से ये भर्ती चल रही है और 2020 निकलने वाला है और अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। दोस्तों, मेरे लिए फिर वीडियो लाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, यदि आप मेरा इसमें समर्थन नहीं करेंगे तो फिर मेरा चैनल चलाने का कोई औचित्य नहीं है, वीडियो लाने का कोई औचित्य नहीं है, आपको बताने का कोई औचित्य नहीं है, फिर मैं किस लिए प्रयास कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि जो भाई बहन जिनकी काउंसलिंग में नाम आ चुका है, नियम अनुसार उनकी काउंसलिंग हो जाए। बहुत से नियम ऐसे बना दिए गए जिनका क्लैरिफिकेशन ही ठीक से नहीं हुआ, उन्हें होल्ड पर रख दिया गया। अब जब नियम क्लियर नहीं है तो जो होल्ड वाले नियम कहाँ से लेके आए, वो भी एक है कि आप होल्ड पे, मतलब नियम क्लियर नहीं है तो आप होल्ड पे, और होल्ड पे इतने लोगों को डाला है, चाहे किसी भी, चाहे अतिरिक्त सब्जेक्ट की बात करें हम, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें हम, और चाहे कोई और वजह की बात करें हम, तो होल्ड पर बहुत से लोग गए हैं। मतलब वहाँ पर ये भी नहीं है कि नियम क्लियर हो। अब 2 डिग्री वाला नियम कि भैया रेगुलर 2 हैं तो हम मान सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट है, एक रेगुलर है, जहाँ प्राइवेट में वो सिर्फ एक बार एग्जाम देने जाते हैं, कोई रेगुलर पढ़ने नहीं जा रहा है, तो वो भी मैटर फंसा हुआ है। UGC का अपडेट उस पर आ जाए तो हम उस पर भी कुछ बोल सकें कि भैया UGC का ये अपडेट है। अब 2016 का नियम है उसको ही फॉलो है कर रहे हैं, तो उस चक्कर में बहुत से रह रहे हैं, और उसके बाद भी यदि आपकी काउंसलिंग चल रही थी और जिनके डॉक्यूमेंट सही थे, अब उनका भी अटक गया है। वर्ग 2 वाले इंतजार कर रहे थे कि हमारा भी काउंसलिंग हो जाएगी वर्ग 1 के बाद, तो अब उनका भी अटक गया है। तो जो पूरी प्रक्रिया है वो अटकी हुई है दोस्तों, और इसलिए मैं आपसे बार बार हेल्प मांगता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपका संगठन बहुत बड़ा है, आपकी हेल्प बहुत बड़ी है, आप कोई भी चीज़ ट्रेंड में ला सकते हो, तो एक साथ जुड़ जाएं। ये मुहिम अतुल कुमार शर्मा की ना मानकर आप स्वयं की माने दोस्तों, क्योंकि यदि इसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है,
यदि आपकी ज्वाइनिंग होने में हमें सफलता नहीं मिल रही तो फिर अतुल कुमार शर्मा का वीडियो या चैनल की क्या आवश्यकता, फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, फिर मैं आया ही क्यों चैनल पे। इसलिए आया मैं यूट्यूब पे कि आपको सही गाइडेंस दे सकूं, सही नियम समझा सकूं और कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उसके आपकी आवाज़ बन सकूं। मैं इसलिए आया हूं, इसलिए मैं आपका सपोर्ट मांग रहा हूं। तो यहाँ पर आप बिल्कुल मेरा जो ट्विटर अकाउंट है उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। मैं करने वाला हूँ और हर संडे को हम ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सभी तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर भी हमको हाई क्लास एक्टिव होना है दोस्तों। ये काउंसलिंग होनी ही है और जल्दी होनी चाहिए जिससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाए, नहीं तो ये साल निकली तो फिर वही एग्जाम आने शुरू हो जाएंगे। जनवरी फरवरी में ऐसा रहेगा कि भैया एग्जाम की तैयारी हो, फिर वो मार्च में एग्जाम आ जाएंगे, अप्रैल में लोकल एग्जाम आएंगे, फिर रिजल्ट तैयार होगा, फिर उधर मई जून में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी और फिर जुलाई से फिर वही हम जुलाई में ही बैठे हैं अभी। तो ये दोस्तों, तो प्लीज़ इसमें सपोर्ट ज़रूर करें। और काफ़ी मुझे दुख हुआ कल न्यूज़ सुनकर, आपके साथ शेयर भी की, लेकिन दुखी होने से या नाराज़ होने से कोई छूना है नहीं, क्योंकि उसका कोई ऐसा नहीं है कि हम दुखी हों या आप दुखी हो या मैं नाराज़ हूँ आप नाराज़, उससे कुछ हल तो निकलना नहीं है। हल इसी से निकलेगा कि सोशल मीडिया पर हमें यह अभियान चलाना है और ज़मीनी स्तर पर जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल कॉन्टेंट में है और बिल्कुल वो ज्ञापन देंगे तो उनका भी हमें समर्थन करना है दोस्तों। तो एक वीडियो था, आई थिंक आप मेरी बातों को समझेंगे, कोई वर्ड इधर उधर हो गए हो तो उन पर मत जाना, मेरी भावनाओं को समझना। मेरी भावना एक ही है दोस्तों कि आपको ज्वाइनिंग इस साल मिल जाए, बस कम से कम 2020 में तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाए और ज्वाइनिंग तब होगी जब काउंसलिंग क्लियर हो जाएगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इसके लिए आपसे अपील है कि समर्थन जरूर करें। मैं बहुत जल्दी ट्वीट करने वाला हूं और जैसे ही करूंगा आपको मैं सूचित कर दूंगा, उस पर आप मुझे सपोर्ट करें और ज़मीनी स्तर पर जितने भी लोग जुड़ सकें, ज्ञापन आप देना चाहें अपने एरिया में तो वो आपको देना ही देना है, ये आपका ही काम है। तो जितना ज्ञापन दे सकें, जितने अधिकारियों तक अपनी बात पहुँचा सकें, जितने मंत्रियों तक अपनी बात पहुँचा सकें नियम अनुसार, वो हमें करना है दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।